थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। आर्थर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू कार्नेजी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार है। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता, आपको कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब से इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्ल्यू दिया है कि सब तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। स्टेप 1, इच्छा, डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहां पर 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तो ये कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो ये सोच लीजिए। सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सके, और एक आर प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में 6ठा स्टेप है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़े और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहे और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगती है। स्टेप 2 एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखे, महसूस करे और माने। खुद पर यकीन रखे कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब है, ऐसे लोग कभी अमीर बन ही नहीं पाते हैं। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन रखे कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो गरीब है, ऐसे लोग कभी अमीर बन ही नहीं पाते हैं। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी छनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन, हमारा सबको शेष। दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है।
हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या शेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल है कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरे, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहे, अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना ले। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है, बस वन टू सजेशन की प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ ले कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वॉर के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उसके उटपटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं यहां अपने एडमिन को बुला सकता हूं। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूं जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जर्नल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। जो चीजें हम जर्नल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉयज रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल तो देखती ही है, साथ में उनकी पहचानलिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी जरूर होती है। याद रखे कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बूढ़ा देशी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसकी कैटल और लकड़ी का पैडल काफी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे एक नई कैटल और वुडन पैडल $500 में खरीद लिए। ये रकम उस डॉक्टर की जिंदगी भर की सेविंग जितनी थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फार्मूला लिखा था। डॉक्टर ने 500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो अपना कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था?
कोका कोला। जी हां, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था असा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी असा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है, तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें। इसे असलियत का जामा पहनाए, तभी आपके आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज झेल पाए। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कंपेंसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हारमोनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखिए कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना माने। तब तक नए प्लान बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाया। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद कोई उसका नाम तक ना जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। स्टेप 7, डिसीजन फोर्ड मोटर्स की मॉडल। टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरो फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हां कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है, और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेट करेगी। फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो, सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी सोच समझ कर चुने। हम आगे के चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में बताएंगे। आपका पास खुद का एक दिमाग है तो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुनें।